अभी हम यहाँ पे क्रालपुरा में रुके हुए हैं परमिशन बनाने के लिए, और यहाँ पे परमिशन बहुत ही आराम से मिल जाता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई सिफारिश की बात नहीं है। यहाँ पे एक फोर्ट स्टेट वाला पुलिस स्टेशन के बाहर, और वो एक सिंपल सा एक फॉर्म देता है जो हमें फिलअप करना होता है, और उसके बाद आसानी से पुलिस उस पर साइन कर देती है, हमें अलाउ करती है केरन जाने के लिए। सो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही आराम से परमिशन मिल जाती है, और लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सो आप आइए और कुपवाड़ा को एक्सप्लोर करिए और केरन को एक्सप्लोर करिए। ये परमिशन हमें करना और केरन के लिए मिलता है, और इस परमिशन की हमें 8-10 जीरोक्स कापियाँ बनानी होती हैं, क्योंकि आने वाले हर एक चेक पोस्ट पर हमें एक एक कॉपी सबमिट करनी है। लेकिन सबसे पहले हम लंच करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। अगर आप लंच टाइम के आसपास क्रालपुरा पहुंच जाते हैं, जहां से आपको परमिशन लेना होता है, वहीं पे आप लंच भी करिए, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आगे उतना मार्केट उस तरह से नहीं है। सो अगर आप लंच यही करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने अभी यहीं से लंच किया है और अब हम निकलते हैं यहाँ से। परमिशन भी हो गया है और हम सीधा केरन की तरफ जा रहे हैं। कुदरत के नज़ारे देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। यह क्या वना ये जे कासुम 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 हाँ केरन कोदा कोदा टाइम वाला क्या जुन्ये वाला अरे और जुन्ना डाई घंटे और जुन्ना डोड़ घंटे और जुन्ना त्रेज घंटे त्रेज ना त्रेज है त्रेज है बस पता पड़ा ये शुक्रिया शुक्रिया बाब और उन लोगों इंशाल्लाह पुशा खुदा रोज खुश। ये व्यू देख लीजिए, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और बस्ती आप देख लीजिए नीचे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अभी 3 बजे हैं दिन के, और अभी हम नहीं पहुंचे हैं। हालांकि हम सुबह जल्दी निकले थे 8 बजे, लेकिन हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा यहाँ से तंग है। कुपवाड़ा के आगे जब हम आएँगे तो इसको बड़ा एहतियात के साथ चलना है इस रोड पर, और हम रास्ते को भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पूरा यहाँ से, हम चाहते हैं कि इसको एक्सप्लोर करें अच्छे से, क्योंकि हम घर से निकले हैं तो कुछ देख के ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ से हम 100 की स्पीड में गाड़ी चलाएं और सीधा केरन में लैंड हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और सब कुछ देख लेंगे जो भी रास्ते में आता है, और आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप केरन आना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप आराम से चलिए। रोड अच्छे खासे हैं, लेकिन कहीं कहीं रोड थोड़ा ख़राब हुआ है, तो हमें बहुत ही अच्छे से चलना है, सावधानी बरतनी है। इंशाल्लाह डेस्टिनेशन पे आप भी पहुँचेंगे आराम से, और हम भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। और काचामा विलेज से निकलने के बाद हम सीधा फारकियन गली पे रुके। ये केरन रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हमें 2 घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी चेकिंग होती है, और यहाँ से फिर उतराई स्टार्ट होती है। और तकरीबन 10 किलोमीटर उतरने के बाद हम एक गांव कुंडियन में रुके। तो अभी बजे हैं 5:25 और हम पहुँचे हैं अभी कुंडियन, जो कि केरन के बिल्कुल नज़दीक ही है। हम अभी वहाँ से आए हैं, तो वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी गर्म हो गई है। हमारे ब्रेक शूज़ जो गाड़ी के हैं वो गर्म हुए हैं, तो हमने गाड़ी का थोड़ा रेस्ट दिया। और यहाँ पे जो जगह है, इस जगह का नाम है कुंडियन, और यहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा नज़ारा, वो आप देख लीजिए। ये मेरे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चक्की है, ये पानी पे चलती है, और यहाँ पे ऊपर ये यहाँ का हाई स्कूल है कुंडियन का, और ऊपर कुछ मकान है। ये गांव है, यहाँ पे छोटा सा गांव है एक, ये काफ़ी दूर दराज इलाका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं वहाँ पे सलीम भाई के साथ, इनके साथ हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस कुंडियन गांव के बारे में। माय नेम इज याकूबुद्दीन खटाना। याकूबुद्दीन खटाना, वेरी गुड वेरी। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में सर। आप? 9th। 9th।
यहाँ से कभी बाहर बाहर गए हो कहीं घूमने? क्यों नहीं, कहाँ? श्रीनगर तक, बाहर भी गया हूँ। श्रीनगर भी गए हो? जी हाँ। कहाँ बाहर? बाहर में गुजरात तक गया। गुजरात गए हो? वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ, किस स्कूल के साथ या ऐसे ही? आर्मी के साथ। आर्मी के साथ, चलो अच्छी बात है, अच्छी। अच्छा वहाँ पे आए हो हमारे यहाँ पे? गुलमर्ग में रहते हैं हम, टंगमर्ग से। हाँ क्यों नहीं, आए हो कभी? जी सर हाँ। कब आए? गुलमर्ग भी आया, मैं पिछले साल आया था। पिछले साल आया, चलो बहुत अच्छा बहुत। पीर बहादुर अली गिलानी साहब, ये कौन है? इनकी ज्यारत है यहाँ पे कहीं? जी हाँ इनकी ज्यारत है यहाँ पे। कहाँ पे? इनकी ज्यारत ये सामने है वो। कहाँ पे? यहाँ से दिख रही है? हाँ सब, क्यों नहीं। सलीम भाई वहाँ पे दिखाओ जरा, कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा वो ऊपर। जी सर। अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा। लेकिन रास्ता कहाँ से यहाँ पे? यहाँ तो रास्ता दिख नहीं रहा है। साइड से है सब। कहाँ से? ये पहाड़ के उस साइड से इसको रास्ता। आप जाते हैं वहाँ पे? हाँ क्यों नहीं, हर रोज। अच्छा चढ़ पाते हो इतना ऊपर? जी सर क्यों नहीं, आदत पड़ गई है। अच्छा आदत पड़ गई है। तो आप पढ़ते हो? हाँ जी। क्यों? किस क्लास में? टेंथ में सर। टेंथ में? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ स्कूल, कहाँ है आपका? यही है सर। कहाँ? ये गवर्नमेंट बॉय हाई। अच्छा ये ऊपर? जी सर कुंडिया। और इधर ही रहते हो? जी हाँ। नेटवर्क आता है मगर बिल्कुल स्लो चलता है सर। स्लो चलता जी हाँ। कौन सा नेटवर्क आता है यहाँ पे? यहाँ जियो का आता है, मुश्किल से कॉल हो जाती है। चलता है बहुत कम सर, स्लो, उस कम बाती मानक चल रहा है। अच्छा, तो मुश्किल आती आ जाती है, मुश्किल आ जाती होगी। यहाँ से मुझे बताओ ये केरन कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर सर। अभी 8 किलोमीटर दूर है? जी सर। और हम तो सुबह से निकले हैं, हम पहुँचते ही नहीं है अभी। ये चेक पोस्ट है कोई और आगे? जी सर वहाँ दो हैं, दो हैं अभी और, दो हैं जी सर। तो दो हमने छोड़ दिए पीछे, दो छोड़ दिए, आई थिंक तीन शायद, तीन छोड़ दिए हमने, दो आ गए अभी। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रास्ता कैसे आगे? रास्ता तो 2 किलोमीटर ये मैकडम पड़ा हुआ है, उसके आगे जो है 5 किलोमीटर 7-6 किलोमीटर वो खराब है बिल्कुल। अच्छा 6 किलोमीटर खराब है। और उसके बाद वो 6 किलोमीटर आ गए जो इस रोड के सबसे ज्यादा मुश्किल 6 किलोमीटर्स थे। यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो गया था और लोग कह रहे थे कि पिछले 10 दिनों में ये चौथा एक्सीडेंट है। और यहाँ पे हमें तकरीबन 2 किलोमीटर फिर से रुकना पड़ा जब तक कि ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। और यहाँ से निकलने के बाद हम फाइनली कैरन वैली में पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे पार्किंग ऑलरेडी फुल हो गई थी क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था और इस वजह से हमें गाड़ी रोड पर ही रखनी पड़ी। और यहाँ पर अभी एक और सिक्योरिटी चेक होना था और यहाँ से जहाँ पे हमें टेंट लगाना था वहाँ तक अभी 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। और हमारा सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फाइनली हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पे हमें टेंट लगाना था। और इसी बीच रात के 9 बज गए। उसके बाद क्या हुआ वो अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा।